Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. Pata, Civil Line Chauraha, Union Bank, Sagar. मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान किया जाना है। इसके लिए शुक्रवार 9 अक्टूबर से नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई है। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नामांकन जमा कर सकते हैं। इंदौर में मंडल पदाधिकारियों और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत दिलाने का संकल्प दिलवाया। कहा कि पार्टी हमारी माँ है, हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए अब माँ के दूध का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कमलनाथ पर सीधा हमला भी बोला। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। नाथ ने कहा है कि आप चुनावों के दौरान जेब में नारियल लेकर चलते हैं, कहीं भी फोड़ देते हैं और कहीं भी कोई भी घोषणा कर देते हैं, यह मैं नहीं आपकी पार्टी के नेता और आम जनता कहती है। ब्यावरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस अब अपने 28 नाम फाइनल कर चुकी है। अब भाजपा और कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदियों की स्थिति सभी विधानसभाओं पर साफ हो गई है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बसपा भी अपने 27 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बड़ा मलेरा उपचुनाव वाली विधानसभा में 317 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 92 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। चुनाव को प्रभावित करने वाले हर बिंदु को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए CAPF की 9 कंपनी, होमगार्ड की 176 कंपनी बुलाए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व मंत्री और विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक के फूट रचित लेटर पैड व फर्जी हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया है। इसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा कटनी पोस्ट मास्टर पंकज निगम, डाक अधीक्षक जबलपुर की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। विधायक के कार्यालय में पदस्थ अर्जुन तिवारी की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर बस स्टैंड में खड़ी दो बसों में गुरुवार की दोपहर में अचानक भीषण आग लग गई। बस में आग लगने के साथ ही बस स्टैंड पर भगदड़ मच गई और आसपास के दुकानदार भागकर दूर खड़े हो गए। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने बस में आग लगाई है। आग लगने से एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। एमपी की नरसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां नेपाल के रास्ते मंगाई गई यूपी और एमपी से होकर चेन्नई भेजी जा रही हशीश की बड़ी खेप पकड़ी गई है। नरसिंहपुर पुलिस, DRI इंदौर और भोपाल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 44 पर घेराबंदी कर महमदपुर टोल प्लाजा के पास दो वाहनों से 117 किलो हशीश बरामद की, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर पुलिस ने जिले भर से 5 थानों की संयुक्त टीम ने मिलकर हथियार बनाने की 3 कट्टा फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, जहां 10 आरोपियों से 10 कट्टे, दर्जनों जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में कट्टा बनाने का सामान जब्त किया है, जहां यह आरोपी एमपी यूपी की सीमा से लगे खरीदारों को बेचते थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के JP अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार में अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सराहना की है। कोहली और चहल ने वेबिनार के जरिए डॉक्टर सचिन नायक से चर्चा की और कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बातचीत भी की। Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, clean up. Pata, Civil Line Chauraha, Union Bank, Sagar.